प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सोशल मीडिया की चेयरमैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकार वार्ता कर पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि 10 साल बाद भी अपनी छाती को पीट पीट कर बोल रहे हैं मोदी, हमने ये करके दिखाया, वो करके दिखाएंगे, ये मैंने काम किया है। उन्होंने कहा कि 10 साल राज करने के बाद कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं मोदी। मुझे शक है कि उम्र का तक आप ही के सवाल पर मैं एक दूसरा प्रत्युत्तर सवाल कर लेती हूं। क्या नरेंद्र मोदी जी जातिगत जनगणना के खिलाफ है? क्या भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सदन में खुलकर बोला है कि वो इसका समर्थन करते हैं। चुनावी रैली में मोदी जी एक बात करते हैं, चुनावी रैली से परे दूसरी बात करते हैं। मोदी जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, मुझे शक है कि उम्र का तकाजा तो है ही, बहुत थके हुए, हारे हुए और मानसिक रूप से परेशान दिख रहे हैं। हर व्यक्ति हार नहीं झेल पाता है। मोदी जी को आगामी हार दिख रही है और उसके चलते संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। मोदी जी इस देश के सामने दो टूक हाँ या ना में बताएं कि क्या आप जातिगत जनगणना के खिलाफ में हैं या उसका फेवर करते हैं। मोदी जी बात कहते थे, अभी तक कहते नहीं थकते थे कि मैं ओबीसी हूं। जैसे ही आप मुख्यमंत्री बने आप ओबीसी बन गए, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पिछड़े वर्ग से एक व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना। जब ओबीसी के हक की बात आती है तो मोदी जी कहते हैं इस देश में कोई जाति नहीं है। तो आपका कड़वा कड़वा थूक और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा ना। अगर आप ओबीसी हैं तो दूसरे ओबीसी को भी मिलने दीजिए आरक्षण। आप कहते हैं इस देश में दो ही जातियां, अमीर और गरीब, ये भी अच्छी बात है। गरीबों के लिए आपने क्या किया? इस देश में जब कोविड आया तो दवाइयों और इंजेक्शन के लिए और ऑक्सीजन के लिए दर दर कौन भटका? गरीब भटका, मध्यम वर्ग भटका, निम्न मध्यम वर्ग भटका। इस देश में जब मजदूरों को पैदल चिलचिलाती धूप में फफोले और छाले लिए चलाया गया तो कौन चला? गरीब चला। इस देश में 5 किलो राशन भरने का जो आप दम भरते गरीब को दे रहे हैं ना। इस देश के जो करोड़ों युवा भटक रहे हैं नौकरियों के लिए, आवाज उठाते, जिनको आप लाठियों से मारते, वो गरीब है ना, वो निम्न मध्यम वर्ग के लोग है ना। जो माँ एक रोटी रात की कम खाती है कि बाबू पड़ जाए, वो गरीब है ना। क्या किया आपने गरीबों के लिए? आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि 20%, और ये आपका आंकड़ा है, आपके नीति आयोग का आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। जिस नीति आयोग की फर्जी रिपोर्ट से आप कहते हैं आपने गरीबी खत्म की है, उसी रिपोर्ट का ये आंकड़ा है कि 20% इस देश की आबादी, 20% इस देश की आबादी 46 रुपए रोज पर गुजर बसर कर रही है। जिस गरीब की आप बात करते हैं, उस गरीब के आटा दही दवाई पढ़ाई पर GST आपने लगाया। जिस गरीब की आप बात करते हैं, सबसे गरीब 50% आबादी से 64% GST आप वसूलते हैं। क्या बात करते हैं ये? किस गरीब के सगे हैं मोदी जी? मोदी जी पूंजीपतियों के, अमीरों के सगे हैं, उनकी सरकार चलाते।